इसराइल के ताबड़तोड़ हमले के बीच हमास ने अब से कुछ ही घंटे पहले दो अमेरिकी बंधकों को रिहा किया है और ये दोनों अमेरिकी नागरिक माँ और बेटी हैं जिन्हें रेड क्रॉस के जरिए हमास ने रिहा कर दिया है। और हमास की कैद से दो अमेरिकी नागरिकों की रिहाई के बाद जो बाइडेन ने इन दोनों से ही फोन पर बात की है। बताया ये जा रहा है कि इन लोगों की रिहाई के लिए कतर हमास के साथ बातचीत कर रहा था। बाइडेन ने हमास को वार्निंग भी दी थी जिसके बाद हमास ने अमेरिका के शिकागो की रहने वाली माँ बेटी को रिहा किया। उसकी तस्वीर जो है वो आपके सामने है। और इन दोनों को हमास ने 7 अक्टूबर को बंधक बनाया था। 7 अक्टूबर वो दिन जिस दिन पहली बार हमास ने इसराइल पर अटैक किया था, इस युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, हमास की तरफ से दो अमेरिकी नागरिकों को रिहा किया गया है। ये दोनों माँ और बेटी है, तस्वीरें उनकी हमने आपको दिखाई। जो बाइडेन हालांकि पहले ही हमास को चेतावनी दे चुके थे और इन सब के बीच कतर की तरफ से भी बीच में बातचीत की गई थी, मध्यस्थता कतर की ओर की गई और उसके बाद हमास की ओर से इन दोनों माँ बेटी को रिहा किया है। लेकिन एक और बड़ी अपडेट आ रही है, गाजा पट्टी में इसराइल की सेना जमीनी ऑपरेशन के लिए तैयार है, लेकिन इसराइल के लिए ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि गाजा को हमास से गुरिल्ला युद्ध का वो मैदान बना दिया है जहां इसराइल की सेना फंस कर रह जाएगी। करीब 45 किलोमीटर लंबे और 6 से 10 किलोमीटर चौड़े गाजा पट्टी में करीब 25 लाख लोग रहते हैं। ऊपर से देखने पर गाजा पट्टी एक घनी आबादी वाला इलाका नजर आता है, जहां बाकी शहरों की तरह घर, दुकान, स्कूल, अस्पताल, मस्जिद और दफ्तर दिखते हैं। लेकिन ये सिर्फ गाजा की ऊपरी झलक है। गाजा की जमीन के नीचे एक अलग दुनिया है। शहर के नीचे सुरंगों का शहर, ये है हमास का पाताल लोक। हमास का दावा है कि उसने गाजा के नीचे करीब 500 किलोमीटर लंबी सुरंगों का अंडरग्राउंड नेटवर्क बिछा रखा है, जिनके एक्सेस पॉइंट इमारतों, स्कूलों, अस्पतालों और मस्जिदों में है। बहुत संभव है कि 7 अक्टूबर को इसराइल पर किए गए हमले में हमास ने ऐसी किसी सुरंग का इस्तेमाल किया होगा जो जमीन के नीचे नीचे इसराइल के बेरी गाँव के पास निकलती होगी। तभी तो हमास के आतंकी गाजा पट्टी से करीब 900 किलोमीटर दूर इसराइल के पहले गांव में घुस गए और इजरायली सेना को भनक तक नहीं लगी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक केबुज के पास एक सुरंग के एग्जिट पॉइंट का पता चला है, जहां दर्जनों इजरायली नागरिकों का कत्ल किया गया। साल 2007 में गाजा पट्टी पर नियंत्रण लेने के बाद से हमास ने शहर के अंदर और गाजा इजराइल सीमा पर भी सुरंगों का नेटवर्क बढ़ाने में जुट गया। इसकी खबर जब इजराइल को लगी, तब साल 2021 में IDF ने गाजा की सुरंगों को तबाह करने का ऑपरेशन चलाया। इजरायली सेना का दावा था कि उन्होंने गाजा में 100 किलोमीटर लंबी टेढ़ी मेढ़ी सुरंगें तबाह कर दी हैं, लेकिन हमास ने दावा किया कि कई दिनों तक चलाए गए इजरायली ऑपरेशन में महज 5% सुरंगी नेटवर्क को ही नुकसान पहुंचाया जा सका। हमास की सुरंगें इजरायल डिफेंस फोर्स के लिए उस भूल भुलैया की तरह हैं, जिसमें घुसने के बाद उनका निकलना मुश्किल हो जाएगा और इसका फायदा उठाकर हमास के आतंकी इजरायली सेना को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमास ने गाजा पट्टी में सुरंगों का ऐसा नेटवर्क बनाया है जिसका इस्तेमाल हमास के लड़ाके इसराइल सेना की नजरों से बचकर अपने मिशन को अंजाम देने के लिए करते हैं। जमीन के ऊपर हमास के लड़ाके हर वक्त इसराइल की नजरों के सामने होते हैं। ऐसे में इसराइल जब चाहे तब उन्हें निशाना बना सकता है, लेकिन जमीन के नीचे सुरंगों में घुसने के बाद उनके बारे में पता लगाना काफी मुश्किल हो जाता है। हमास की इन सुरंगों में सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का ही रास्ता नहीं है, बल्कि जमीन के नीचे हमास के हथियारों का जखीरा मौजूद है, रिफ्यूजी कैंप है और यहाँ तक कि हमास के घायल लड़ाकों के इलाज के लिए अस्पताल भी है। गाजा के नीचे बिछी सुरंगें ही हमास के इन ठिकानों तक ले जाती हैं। यही नहीं, जमीन के ऊपर बने ठिकानों में जाने के लिए भी हमास के आतंकी इन्हीं सुरंगों का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हमास ने 7,000 रॉकेट एक जगह जमा कर लिए और इसराइल को पता भी नहीं चला।